कोरोना वैक्सीन के खिलाफ की जा रही बयानबाजी को निराधार और मनगढ़ंत बताते हुए बीजेपी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि देश में कुछ विपक्षी दलों और अराजक तत्वों ने देश हित के सभी कामों का विरोध करने की नीति सी बना ली है। उन्होंने स्वदेशी वैक्सीनों पर दुष्प्रचार बंद करने की नसीहत देते हुए कहा कि पल्स पोलियो अभियान के समय भी इस तरह के कुछ तत्व सक्रिय थे। जायसवाल ने कहा कि जिस कोरोना वैक्सीन के स्वदेशी निर्माण पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है, यह लोग अब उसकी खिलाफत भी करने लगे हैं। बीजेपी नेता ने कहा, दरअसल स्वदेशी वैक्सीनों का विरोध सिर्फ बहाना है, हकीकत में इन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इनके लाख विरोध के बावजूद मेक इन इंडिया अभियान सफल कैसे हो रहा है। यही वजह है कि यह तत्व कोरोना वैक्सीन के खिलाफ उठपटांग बयानबाजी कर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल ने याद दिलाते हुए कहा कि पल्स पोलियो अभियान के समय भी इस तरह के कुछ तत्व सक्रिय थे। पोलियो वैक्सीन दिए जाने के दौरान भी विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन लोगों ने टीका लगवाया और आज भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है। बिहार बीजेपी के प्रमुख ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार सिर्फ विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जो लोग अपने शासन काल में स्वदेशी उद्यमों को सशक्त करने का सोच भी नहीं पाए थे, वही लोग देश के वैज्ञानिकों की मेहनत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं।